हमारी कोशिश थी कि हम आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और दूसरे ऑडियंस यहाँ पे मौजूद हैं, हम कोई छोटा सा क्विज कर लेते हैं। हमें इसके लिए स्पॉन्सर भी पेप्सी कोला नौबहार बॉटलिंग कंपनी ने दिया, उनकी तरफ से गिफ्ट हैं, और इसके अलावा शिफा फ्यूचर की तरफ से भी और GFPP की तरफ से भी। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी नौजवान नस्ल को जो है ना किसी तरीके से इन्वॉल्व रखें। तो मुख्तसर से क्वेश्चन है, आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्वेश्चन मैं करूँगा और जिसको कोई उसका जवाब आता होगा वो सिर्फ हाथ खड़ा करेगा, हम उनसे जवाब पूछ लेंगे, और उमैर को कहूँगा और शिफा को कहूँगा या इसका तुबा को कहूँगा, ये आपको ये जो गिफ्ट हैम्पर है ना ये दे देंगे। अच्छा जी नाज़रीन, ये छोटा सा एक सवाल है, आप में से कोई मुझे बताएगा कि जब पाकिस्तान बना तो उस वो 14 अगस्त का दिन था, इस्लामी महीने की कौन सी तारीख थी? अपनी सीट पे हाथ खड़ा कीजिए। जी बेटा, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल, ये सवाल ऐसे हैं कि इनमें कोई मतलब ये सब कोई पता है, तो हम थोड़ी आसानी के लिए ताकि ये गिफ्ट जो है ये हैम्पर गिफ्ट हैम्पर जो है आप तक पहुँच जाए, पाकिस्तान का इधर मेरी तरफ तवज्जो करें ज़रा प्लीज़, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? आपने? हफीज़ जलंधरी ने। जी आप बच्चों की हौसला अफजाई साथ साथ होती रहे ज़रा। अच्छा जी, एक कल एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी तो उसमें एक साहब आए हुए थे हमारे साथ, वो प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की, मेरे नॉलेज में इजाफा किया। उन्होंने कहा जी 11 सितंबर कायद आज़म की वफात का दिन है, 25 दिसंबर उनकी विलादत का दिन है, 14 अगस्त पाकिस्तान के बनने का दिन है, और जब भी ये दिन आएंगे ना वो एक ही दिन होगा, इस दफ़ा मंडे को है ये तीनों, अगली दफ़ा ट्यूसडे को है ये तीनों दिन, इसी तरह ये एक ही दिन होगा उस दिन। तो ये बहुत बड़ी बात है जी, यकीनन इसके पीछे कोई मौजज़ा है, कोई राज है इसमें, जो लोग इसका जिनको पता होता है कि इसमें जो इल्मुल आदाद इसको कहते हैं, जिनको पता होता है वो इन चीज़ों का बताते रहते हैं। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आप में से कोई, बड़ा आसान सवाल है, आप खड़ी हो जाएं, आज पाकिस्तान की कौन सी सालगिरह है? सॉरी ऊंचा बोलो, ठीक है ऊंचा बोलो बोलो, 76 जो आप दुरुस्त है जी, आप इनको यार इसमें गुरबाने वाली कौन सी बात है, ये तो सबको पता है। पाकिस्तान की सरहदों के साथ लगने वाले कोई भी दो जो मुल्क हैं उनका नाम बता दें, कौन बताएगा? जी बेटा जी, इंडिया और चाइना, अफगानिस्तान और ईरान। वेरी गुड। ये बताएं कि नू दस्तगीर बहुत बड़ा नाम है, हमारा सरमाया है, ये पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुआ? जी सही बताना है। वो पूछ रही है कि बाकी गुजा वाले पैर इनको भी दे दें जी, एक ये जो महीना जा रहा है बरसात का, इसके बाद कौन सा महीना आता है? हाँ जी भादो आता है, आज है सावन के बाद भादो। इधर आ जाए, इधर ही खड़े रहो, वो इधर आ जाए। चलो जी, GIFT इसका मतलब क्या है? GFPP का मतलब बता दें आप, ले बैठी जी। ये बेटा आप बताएं। वेरी गुड। इधर इधर इधर, इन्होंने देना भाई गिफ्ट, मैंने नहीं देना।
आप देखो गिफ्ट खुद चल के आपके पास आ रहा है। बहरहाल जी, ये छोटा सा क्विज था, गुजरांवाला की पेप्सी कोला नौबहार बॉटलिंग कंपनी ने हमें स्पॉन्सर किया था ये, और उनकी मेहरबानी है कि वो हमारे साथ जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, और आइंदा भी कोशिश करेंगे कि उनको हम अपने साथ इन्वॉल्व रखें। आप बैठें, एक छोटा सा सेगमेंट हमें करना है। एक खूबसूरत मिली नगमा आपकी खिदमत में पेश करेंगी, हमारे GFPP की बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, तशरीफ लाएंगी एमन जावेद। एमन, आप थोड़ी सी लेट हो गई, आपने शायद बहुत कुछ देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप आ गई, बड़ा अच्छा लगा। तो आप ये बताएं कि आप 14 अगस्त कैसे मना रही हैं, कैसे आपकी एक्टिविटी क्या है आज के दिन के हवाले से? 14 अगस्त हमेशा से सब बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्योंकि हमारी आज़ादी का दिन होता है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। जैसे ही अगस्त स्टार्ट हो जाता है तो हमारी आज़ादी का दिन तो तभी से शुरू हो जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा रौनक होती है हर तरफ, गलियों में, बाज़ारों में शॉपिंग शुरू हो जाती है। इसकी कोई स्पेशल, कोई जिस तरह ईदों पर तैयारी होती है, इसकी भी कोई तैयारी होती है? बिल्कुल होती है तैयारी, ऐसे ही होता है, जैसे ईदों की तैयारी होती है वैसे 14 अगस्त की तैयारी होती है, बिकॉज हमारी आज़ादी का दिन, ये छोटी बात नहीं है, हमारी आज़ादी का दिन है जी। माशाल्लाह, तो इस आज़ादी के हवाले से क्या सुना? बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत नगमा उस्ताद अमानत अली खान का जी। मैं व्हेन वी वर किड्स, तो पापा जी ने पहली बार हमें सुनाया उनका नगमा, क्लासिकल नगमा है, तो मैं आप सबकी नज़र आज वही करूँगी जी। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनो, अज़्म मेरा कवि मेरे इरादे है गयो, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शाओ, जाफिदा मेरा तो खैर है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माता, कदम कदम माता तुझे, कदम कदम माता, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माता, कदम कदम माता तुझे, कदम कदम हमारा परचम, ये प्यारा परचम।
रंग भर दिया हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त चाहें, मुझे शुक्रिया अदा करना है हमारे लाहौर से आए हुए मेहमान कायदे आज़म के रूप में आपके सामने, मेरे बहुत ही प्यारे प्यार करने वाले जनाब दस्तगीर भट्ट साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट पे ये यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। नू जो है हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारी बहुत सी दुआएं नू के लिए हैं। अल्लाह करे कि आप पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े काम करें। आप भी यहाँ पे आए, आपका बहुत शुक्रिया। ऐमन, आपका भी शुक्रिया। साजिद परवेज़ भट्टी साहब, बहुत सी मसरूफियात थी इनकी आज के दिन के हवाले से, लेकिन इन्होंने उन मसरूफियात में आज हमें भी शामिल किया। साजिद परवेज़ भट्टी साहब, आपके शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूं, मैं अयान का शुक्रगुजार हूं कि इस बच्चे ने आज बड़ा पार्टिसिपेट किया, हमारे साथ चला, बहुत शुक्रिया आपका। हम शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर सरफराज मुगल साहब के इन्होंने ऐसे मौके नौजवान नस्ल को और हम सब को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए इनकी बड़ी मेहनतें, बड़ी काफ़ियाँ हैं। हम उसका सलाम पेश करते हैं आपको, और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना खूबसूरत सा गेट टुगेदर किया। हम शुक्रगुजार हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी के उनके स्टूडेंट्स हमारे साथ आके हर प्रोग्राम जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इन लोगों का भी बहुत शुक्रिया, इनके लिए भी तालियाँ। नाज़रीन, अपने मेज़बान बिशारत हुसैन और मेरी साथी मेज़बान तुबा और शिफा, हमें GFPP के प्लेटफॉर्म से यहीं से इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत सी दुआएं और तगदो हमारी जारी रहेगी। अपने मेज़बान बिशारत हुसैन को यहीं से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हर घूट हो स्ट्रॉन्ग तो व्हाई नॉट मेरी जान।